रही मन मनई लगाई के देख लेहु किन कोए, नर को बस करीबो कहा नारायण बस होए। रहीम दास जी के इस दोहे का भावार्थ है, अगर आप किसी एक जगह पर अपना मन लगाएं तो आपको सफलता जरूर मिलती है, क्योंकि अगर इंसान की नीयत अच्छी है तो वो नारायण को भी वश में कर सकता है। आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आपके पास आइडिया भी है, आप स्टार्ट करके तो देखिए, बस अच्छी नीयत, पूरी एकाग्रता, पूरी मेहनत के साथ तब तक टिके रहिए जब तक आपका आइडिया सक्सेसफुल नहीं हो जाता। मुश्किलें आएंगी, असफलताएं मिलेंगी, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको बस हर मुश्किल को हल करने का रास्ता ढूंढना है और असफलताओं को चुनौतियों की तरह लेना है और बस हार नहीं माननी। फिर देखिए कौन आपको सफल होने से रोक सकता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैं ऑनलाइन बिजनेस क्यों रिकमेंड करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा पहला ऑनलाइन बिजनेस है जिससे कि मैं अपना हाल जैसा खास सपना पूरा कर पाया। तो आइए देखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आशीष आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टुडे आई गिव अप में। पिछले 3 वीडियोस से मैं आपसे कहता आ रहा हूं कि मैं आपको ऑनलाइन अर्निंग के तरीके बताऊंगा। क्षमा चाहता हूं, मुझे ये बताने के लिए 3 वीडियोस लग गए, पर चूंकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुका हूं, सिलेबस की तरह पढ़ाने की आदत कैसे जाएगी। और देखा जाए तो हमेशा सिलसिलेवार ही चलना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई तो नर्सरी से ही शुरू होती है, ना कि 10वीं से। मेरे पहले के 3 वीडियोस बेसिक पढ़ाई की तरह है, उन्हें शुरू से देखिए ताकि आप मेरे चैनल के बारे में और अपने बारे में थोड़ी जरूरी बातें जान पाएं। चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि मैंने अपने सपने पूरा करने की शुरुआत कैसे की और कई अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद मुझे पहली कामयाबी कैसे मिली, और वो भी अर्निंग के प्रूफ्स के साथ। लेकिन इसके लिए मुझे आपको थोड़ा पीछे ले जाना पड़ेगा। दोस्तों, जब मैं बीटेक करने गया तो मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कहा कि बेटा अच्छे से इंजीनियरिंग करना, क्योंकि उस समय हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं बीटेक के बाद एमबीए या कुछ और कर सकूं। तो मैंने पूरी मेहनत लगाकर बीटेक मैकेनिकल में ऑनर्स की डिग्री हासिल की, जिससे कि मेरी परसेंटेज बनी 76 और मैंने अपनी जगह क्लास के टॉप 3 टॉपर्स में बनाई। अच्छा, अब ये हाई परसेंटेज और टॉपर बनना क्यों जरूरी था मेरे लिए? क्योंकि मैंने हमेशा सुना था कि टॉपर्स की तो प्लेसमेंट हो ही जाती है। बात सही भी थी, मेरी कॉलेज से 2006 में 10,000 की सैलरी पर जॉब लग गई। अब जब मेरी बचपन से ही इच्छा थी कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूं, तो मैंने छोटी क्लास से ही एक दोस्त के साथ कॉमिक्स किराए पर देने जैसे काम शुरू कर दिए थे। 2006 में मैंने अपनी पहली वेबसाइट उसी दोस्त के साथ लॉन्च करी, मगर उस वेबसाइट से हमने कोई पैसे नहीं कमाए। उसके बाद हम दोनों ने गूगल एडसेंस से पैसे कमाने के लिए 40 वेबसाइट्स बनाई और एक साल में लगभग 99,000 रुपये कमाए। जब गूगल की पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट हो गई तो एक एक करके हमारी सारी वेबसाइट्स बंद हो गई और गूगल एडसेंस से अर्निंग का बिजनेस ठप। उसके बाद मैंने उसी दोस्त के साथ स्टॉक मार्केट ट्राई किया, काफी सारा पैसा इन्वेस्ट किया, काफी नुकसान उठाया। फिर स्टॉक मार्केट क्विट करने के बाद हमने एक और स्कूल के फ्रेंड के साथ हल्द्वानी का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया, जो थोड़ा सक्सेसफुल था और हमने उस वेबसाइट से कुछ पैसा कमाया, मगर कुछ पर्सनल रीजंस के चलते मैंने वो वेबसाइट और वो कंपनी छोड़ दी। फिर मैंने 3 साल JBM में जॉब करने के बाद टीचिंग ज्वाइन करी, मगर मैंने अपनी कोशिशें बंद नहीं करी। 2011 में मैंने एक दूसरे पार्टनर के साथ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करके एक नए ऑनलाइन गेम पोर्टल के ऊपर काम शुरू किया, मगर पैसों की कमी, लैक ऑफ एक्सपीरियंस और नॉलेज के कारण पूरा नहीं कर पाए और 2013 में मैंने उस कंपनी की भी डायरेक्टरशिप छोड़ दी। उसी समय मुझे एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट के बारे में पता चला जिसमें हर जॉब का आपको $5 मिलता था। मैंने अपने पार्टनर को बताया तो उन्होंने मुझसे कहा, बस $5? $5 में क्या होता है यार, सब बकवास है, कुछ नहीं होने वाला इससे। मैंने अपने पार्टनर को बोला ठीक है, बट फिर मैंने उसी वेबसाइट पर एक इंटरनेट रिसर्च का गिग डाला। कुछ होगा ये भरोसा तो मुझे भी नहीं था, मगर थोड़े दिन के बाद मार्च 2013 में पहला ऑर्डर आया जो मैंने जल्दी ही डिलीवर कर दिया। क्लाइंट को मेरा काम पसंद आया और फिर 2 महीने बाद मई 2013 में उन्होंने कई गिग्स ऑर्डर किए और वो मेरे ऑनलाइन कैरियर का ब्रेक थ्रू था। अच्छा, एक बात और, मैं नौकरी और ऑफलाइन बिजनेस के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं,
बट हाँ, मैं इस चैनल पर फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करता हूं, और मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि मेरा जब मन करे और जहां बैठकर मैं काम करना चाहूं, मैं तब और वहां काम करूं। आज मेरी इच्छा है कि मैं फैमिली के साथ घूमने जाऊं तो मुझे छुट्टी के लिए किसी का मुंह ना देखना पड़े। मुझे पैसे कमाने के लिए अपने घर और फैमिली छोड़कर दूसरे शहर में रहने से कंप्रोमाइज ना करना पड़े। और हाँ, अगर मेरे मन में कुछ खरीदने की इच्छा है तो मैं हिसाब किताब ना देखने लगूं, बस खरीद लूं। याद रखिए, मैंने अपना ऑनलाइन बिजनेस सेटअप होने के कई सालों के बाद तक भी जॉब नहीं छोड़ी थी, बल्कि जॉब के साथ ही ऑनलाइन काम भी किया, और यही मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब छोड़िए मत, जॉब के साथ ही अपने बिजनेस सेटअप करिए। थोड़ा समय लगेगा, मगर डेडिकेशन और मेहनत के साथ आप भी मेरी तरह फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे। तो दोस्तों, मैंने अपना ऑनलाइन कैरियर शुरू किया Fiverr.com से, जो कि एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है। चलिए पहले कुछ प्रूफ्स देख लीजिए। क्लाइंट की प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए मैंने अकाउंट की डिटेल्स हाइड कर दी हैं। ये मेरा पहला फाइवर अकाउंट है जिसकी टोटल अर्निंग्स हैं $2,456, इंडियन रुपीज में लगभग 1.5 लाख रुपये। अब आप मेरा दूसरा फाइवर अकाउंट सीधे लाइव देखिए। ये देखिए, ये मेरा दूसरा अकाउंट है जिसकी टोटल अर्निंग्स हैं $6,972, जिसमें से मैं $6,934 निकाल चुका हूं, मतलब इंडियन रुपीज में लगभग 4.5 लाख रुपये। अगर मैं और नीचे स्क्रॉल करूं तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी गिग्स सेल्स की अर्निंग्स हैं, और ये देखिए $300 मैंने 8 जून को विड्रॉ किए। दोस्तों, मेरे दोनों फाइवर अकाउंट्स की टोटल अर्निंग लगभग 6 लाख रुपये बनती है, मतलब अगर मैंने ये रुपये एक साल में ही कमाए होते तो ये बनते लगभग 48,000 रुपये महीना। अब मेरी अर्निंग्स के प्रूफ देखकर शायद आपकी इच्छा जाग गई होगी एडिशनल इनकम कमाने की। आपके दिमाग में काफी सवाल उमड़ रहे होंगे कि ये फाइवर क्या है, मैं फाइवर पर क्या करता हूं जो मैंने इतने पैसे कमाए, क्या आप भी फाइवर के थ्रू पैसे कमा सकते हैं, और अगर कमा सकते हैं तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों ध्यान रहे, मैं एक आम आदमी हूं, बस कुछ खास सपने लिए हुए। अब जब मैं कमा सकता हूं तो आप भी बिल्कुल कमा सकते हैं। आप अपने सारे सवाल इकट्ठे कर लीजिए और मुझे नीचे कमेंट्स के थ्रू भेज दीजिए। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने फाइवर के जरिए इतने पैसे कैसे कमाए और आप भी कैसे कमा सकते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।